ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए एक नजर डालते हैं बाराबंकी से आ रही खास खबर पर। थाना कोतवाली नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 25 लाख की रंगदारी मांगने वाले 6 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा रंगदारी मांगने वाले 6 साथी अभियुक्तों को केवाड़ी मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। अपराधियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, वैगनार कार, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचा व कारतूस, अभियुक्त गण को गिरफ्तार करने हेतु 40,000 रुपए की 19 गाड़ियां, जिनमें ऊपर व नीचे 500 व 2,000 के वास्तविक नोट व बीच में पेपर की कटिंग लगी थी, सहित बैग बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई। रिपोर्ट रविंद्र कुमार मिश्र, ब्यूरो प्राइम न्यूज 24, बाराबंकी। हाईकोर्ट के बजट में यही है, इनके पास काफ़ी पैसा होगा और इनसे आसानी से पैसा पैसे की उगाही की जा सकती है। ये योजना उसने अपने अन्य साथियों के साथ शेयर की और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये पकड़े गए सभी लोग लड़के विद्यार्थी हैं, अलग अलग स्तरों पर ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं या शिक्षा विभाग में की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, एक लड़का इंटरमीडिएट में पढ़ने वाला है। लेकिन कॉमन इंटरेस्ट इनका ये था कि जल्दी मिले हुए पैसे से ये जो बेफजूल के खर्चे हैं उनकी ओर प्रेरित थे, उससे आकर्षित होकर उन्होंने ये आपराधिक घटना करने का प्रयास किया, जिसको पुलिस ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया है और पूरा गैंग 6 लोगों का वो न केवल गिरफ्तार हुआ बल्कि इस प्रक्रिया में जो इस्तेमाल जो वाहन इस्तेमाल हुए, जो मोबाइल इस्तेमाल हुए, सिम इस्तेमाल हुए, वो 100% बरामद कर लिए गए हैं। इससे एक पुख्ता केस बनता है जो इनको न्याय प्रक्रिया के तहत सजा दिलाने में सफल सिद्ध होगा। सर, ये जो अपराधी जो पकड़े गए हैं ये क्या स्टूडेंट में पढ़ते हैं? सभी स्टूडेंट हैं और इनमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, किसान के लड़के भी हैं, सरकारी कर्मियों के लड़के भी हैं और जैसा मैंने बताया कि एक जो सूत्रधार है वो पीड़ित वादी मुकदमा का किराएदार रह चुका है, तो इसको क्लोज कॉन्टैक्ट भी इसे मालूम था, इनके मूवमेंट आने जाने का तरीका मालूम था, इनकी हैसियत मालूम थी, उस हिसाब से उसने ये प्रयास किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से दो बातें दर्शकों को से कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि अपने घरों में कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को किराएदार न रखें, इसकी एक प्रक्रिया है। यूपी कॉप ऐप पर आप जा सकते हैं, उसको डाउनलोड कीजिए, उस पर जा सकते हैं और अपने यहाँ डोमेस्टिक हेल्प है उसका सत्यापन आप करा सकते हैं, जिससे आप अधिक सुरक्षित रहेंगे। जो आदमी आपके यहाँ किराए पर रह रहा है, काम कर रहा है, सहयोग कर